इंडिया न्यूज में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। क्षेत्रीय विधायक एवं मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष ने खेलांजी हॉस्पिटल को भेंट की। एम्बुलेंस एवं कोरोना योद्धा के रूप में 108 एम्बुलेंस चालक सहित टीम का किया गया सम्मान। खेरलांजी तहसील क्षेत्र एवं मुख्यालय की जनता को कोरोना काल की दूसरी लहर में स्वास्थ्य से संबंधित ऑक्सीजन की कमी एवं वाहनों की कमी आई भारी समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक व मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल गुड्डा भैया द्वारा पूर्व में गत दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरलांजी को ऑक्सीजन मशीन, वाटर कूलर एवं NRC कक्ष में बच्चों को के कमरों में AC प्रदान की गई है एवं कुछ वर्ष पूर्व खेरलांजी हॉस्पिटल को शव वाहन रथ भी प्रदान किया गया था। वहीं 1 अगस्त को श्री जायसवाल जी द्वारा क्षेत्रीय एवं मुख्यालय की जनता को स्वास्थ्य लाभ परिवहन करने में आ रही वाहनों की कमी को देखते हुए विधायक निधि से खेरलांजी हॉस्पिटल को एम्बुलेंस प्रदान की गई। वहीं श्री जायसवाल द्वारा कोरोना काल की दूसरी लहर में अपनी जान की एवं परिवार की परवाह किए बगैर जनता की सेवा में दिन रात लगे रहे 108 एम्बुलेंस के पायलट सचिन कुमार चौरे, पायलट तथागत मेश्राम, EMT नीलेश दशरिये, EMT मिलेश चौधरी, वाहन संचालक संतोष चौहान का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख रूप में SDM संदीप सिंह, नायब तहसीलदार सतीश चौधरी, थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी, जनपद CEO श्रुति चौधरी, पूर्व जनपद अध्यक्ष फेकन लाल डोहरे, जनपद अध्यक्ष चिंतामण नकपुरे, डॉक्टर अमित पिजेवार, LHV खिमोती जंघेला, BCM कमल नकपुरे, संतोष आड़े, आनंद बिसेन, मिलिंद नकपुरे, संदीप मिश्रा, BDC रूपलाल पटेल, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार बहेटवार, युवा समाज सेवी विक्की लिल्होरे, ज्ञानी लिल्हारे, मनु रामटेके, रामप्रसाद तित्रमारे, ठान सिंह नकपुरे, कुंवर लाल डोहरे, कोमल लिल्हारे, द्रोण डोहरे उपस्थित रहे। आज हमें प्लांट बन गया। इस हॉस्पिटल में भी हमने AC की व्यवस्था कर दी है, हमने वाटर कूलर की व्यवस्था किया है ताकि स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी मरीजों को मिले। जहाँ डिलीवरी होनी है वहां पर स्वच्छ हवा होना चाहिए, AC की व्यवस्था होना चाहिए। ये पूरे सेंटर में हमने AC की व्यवस्था विधायक निधि के माध्यम से किया है। यहाँ पर अपने कमरे की आवश्यकता खलानी में NRS में हॉल की व्यवस्था, उसके लिए विधायक निधि से पैसा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि बच्चों को किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए। उस क्लास के अंदर जहाँ गंदगी है वहाँ बाउंड्री वाल बना के गंदगी को बाहर करो और वहाँ बाउंड्री वाल बनाओ। हर तरह की व्यवस्था अब उस स्वास्थ्य केंद्र तक करने जा रहे हैं। बच्चों की दवाइयाँ भी उस स्वास्थ्य केंद्र में रहेगी ताकि 3 दिन में अगर बच्चा ठीक हो सकता है तो वही ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ दवाई नहीं मिलती मरीज के पेशेंट की गंभीरता बढ़ जाती है और बाद में उसका इलाज फैलाने वाला दिन में भी नहीं हो पाता, उसकी जान निकल जाती है। तो हमारे मरीजों का समय खराब ना हो तत्काल हम उस स्वास्थ्य केंद्र पर सारी तैयार हमने की है और थोड़ी बहुत जो रहेगी उसको भी और हम करने जा रहे हैं। आवागमन की व्यवस्था होती थी जब खराब होती थी, आज हमने वाराणसी में 22.5 लाख रुपए की एम्बुलेंस हमने वहां पर दी है, सुसज्जित है। उसमें जरूरत पड़ेगी कभी तो वेंटिलेटर भी लगाया जा सकता, बाकी सारी व्यवस्था उस पर रहती है। और उसी तरह से हमने खलानी मुख्यालय में लगभग 12.5 लाख की ये एम्बुलेंस भी यहाँ पर, क्योंकि कंपनी से हमने डायरेक्ट बुलाया है, कोई दूसरे इसमें कई कुछ हम लोगों के कारण सबूत खरीदा है और उसको कंपनी से डायरेक्ट हमने बुलाया है। हाँ, उसमें सबसे सस्ती मॉडल यही है, कंपनी यही है, लेकिन सबसे सस्ती एम्बुलेंस 1200 की खिलानी क्षेत्र में आपको प्राप्त होती है। जहाँ भी हमारे मरीजों को भेजना है तो वो भी हम बहुत सस्ते दर पर, अगर गरीब है उसकी व्यवस्था यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से एम्बुलेंस दिया जाए, फ्री में जाएगा बोल दिया फ्री में जाएगा ना, तो इस तरह की सारी व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया है। और आने वाले समय पर भी कल्याण क्षेत्र में जहाँ बात अभी NH में हमने शामिल किया है, आपने देखा कि 2 साल पहले जब खनिज मंत्री था